राइडिंग पे फुल स्पीड है, पता है ना, टॉप इस मैं चेंज नहीं किया हूँ। और भाई के भी चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए जितना जल्दी, और जेडी भाई को तो खैर जाए। बाकी भाई साथ साथ में स्टार्ट किए थे, जेडी भाई कहाँ से कहाँ पुग गए, हमको भी थोड़ा सपोर्ट कर लो भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई गैंगस्टर मोटो ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। गाइज आज कल का वीडियो में देखे ही होंगे हम कहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हम जावेद भाई के घर आए हुए हैं, और जावेद भाई के घर आते ही हम लोगों को धमाका स्टार्ट होने वाला है आज का ब्लॉग में। बाकी भाई बहुत धमाका स्टार्ट, ये देखिए इधर देख रहे हैं भाई बाइक का लाइनअप, ZX10R से लेके सब है यहाँ पे। और हाँ भाई आज का वीडियो बोलेंगे कम और राइड ज्यादा आनेंगे, इसीलिए धमाकेदार राइड होने वाला है। शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, सपोर्ट करिए भाई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए वीडियो कैसा हुआ है। तो बाकी चलिए अब सीधा मिलते हैं बाइक पर। के 502 बहुत मजा आ रहा है गाइस। ओ माय गॉड, ये भी सही है एडवेंचर के लिए भाई, एकदम कंफर्टेबल है, बस रुकने टाइम में भारी है वही है, बाकी कंफर्टेबल तो कंफर्टेबल ही है। भाई अभी राइडिंग पे फुल स्पीड है, पता है ना, टॉप इसमें चेंज नहीं किया हूँ। चलिए
भाई अभी मैं ZX Tenor चला रहा हूँ और जावेद भाई का पुरै राइडिंग मोड में छ है बिस्तारै है तो गाइस अभी हम हाईवे में निकल चुके हैं और जावेद भाई के घर से कुछ दूर आके 5-7 किलोमीटर जितना जावेद भाई यहाँ तक आए हैं छोड़ने के लिए। तो बाकी भाई इधर जावेद भाई लोग सब लोग फोटो वगैरह कर रहा है, रील्स वगैरह बना रहा है, तो हम भी यहाँ पे रील्स वगैरह और वीडियो शीडियो बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग यहीं से निकल जाएंगे और बाकी जावेद भाई यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। तो क्या ही बोले, बाकी कभी कभी मिलते रहेंगे। तो जावेद भाई कैसे कुछ कहना चाहेंगे हमारे ट्रिप के बारे में? ट्रिप के बारे में, हाँ ट्रिप के बारे में बस यही कहेंगे कि आप लोग एकदम बढ़िया से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? कुछ नहीं, बहुत बहुत एकदम अपना जैसा फील हुआ। तो आप क्या कीजिए कि फिर यहाँ से जो है यहाँ तक तो आ चुके हैं और थोड़ा सा अजीब लगता ही है जब जाते जाने के टाइम में, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से जाना है 55 किलोमीटर, राइट नहीं राइट ओवरहेड ब्रिज, ओवरहेड फिर वहाँ से जो आराम से बनारस ताजमहल। और भाई के भी चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए जितना जल्दी, और जेडी भाई को तो खैर बाकी भाई साथ साथ में स्टार्ट किए थे, जेडी भाई कहाँ से कहाँ पुग गए, हमको भी थोड़ा सपोर्ट कर लो भाई। ZX Tenor चाहिए, ZX Tenor चाहिए, ZX Tenor। अब निकल रहे हैं और जावेद भाई यहीं से रिटर्न चला जाएंगे और बाकी ZX Tenor को भी राइड मार लिया। भाई बोल रहे तो कुछ करा था, देखता हूँ क्या करते हैं, पता नहीं बाइक चला नहीं सीखे क्या। तो गाइस ये बुलर है नेपाल, हमेशा तो ऐसे चंचल बनता हूँ, मतलब हैप्पी रहता हूँ, मतलब अपने मजा करता हूँ। आज तो एक बार मेरा दिल बढ़ गया है, भर गया है, क्योंकि लाइफ में पहली बार नेपाल में बोलेंगे, नेपाली में फिर अच्छा होता है, क्योंकि नेपाल में बोलेंगे वो नेपाल में जावेद भाई का ज़्यादा व्यूअर्स नेपाल से है। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ बुलेट इन नेपाल, र हुन त जहिले म यतिकै घुमिरहेको फिरिरहेछु होइन, आफ्नो मुन्डो कुरा गरिरहन्छु होइन, बट आज हल्का अलि मन बसेछ, किन भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम लाइफमा कसैले मलाई गिफ्ट दिनु भएको छ होइन बाइकको बारेमा, र त्यो पनि जागे दादा जेडी 1000 राइडर। थ्याङ्क यू, मेरो लाइफको सबैभन्दा हुन्छ नि त्यो मुभमेन्ट, नबिर्सिने मुभमेन्ट होइन। सो दादाले मलाई फर्स्ट टाइम मेरो लाइफमा कसैले दिनुभएको हेलमेट गिफ्ट, मेरो लाइफको सबैभन्दा ठुलो मुभमेन्ट। थ्याङ्क यू दादा, थ्याङ्क यू सो मच। फिर ये वाला जो है ना सिंह, ये मुमकिन लेके घूमेंगे ना बाद में डर जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग रुके हुए थे, अब निकल रहे हैं यहाँ से और बाकी हम लोग बनारस तक तो आज नहीं जा पाएंगे और 100 किलोमीटर कवर करेंगे शायद, क्योंकि यहीं पे 3 बज चुका है। और क्या ही बोले, बाकी जहाँ रोक रहे हैं वहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग, ये बच्चे लोग का भीड़, इसीलिए अब निकल रहे हैं हम। बाकी ये भाई लोग भी
डेविल आइज, ये भी नेपाल जा रहे हैं कालीन चौक, नहीं कालीन चौक राइट पे, बाकी नेपाल से जोन जोन भी है, भाई को सपोर्ट करिए कोई भी दिक्कत हो तो इधर उधर, बाकी नेपाल सोशल राइडर में समझिएगा आप कोई भी दिक्कत हो तो, बाकी चलिए सेफ राइड। ये फोटो खींचा था, अच्छा इसी में कर ले रहे हैं। अच्छा, ओके साइड में कर लीजिए और साइड में कोई दिक्कत नहीं है। एक किसी को बोल दो उधर से। अभी हम लगभग कहाँ पहुँचे, मुजफ्फरपुर पहुँच गए, और मुजफ्फरपुर में हम लोगों को पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, और हम लोग डिसाइड किए कि अब नाइट राइड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्सी होगा इंडिया का रास्ता में, और ठंड भी आज से बहुत ज़्यादा पड़ गया, आज घाम ही नहीं लगा था, तो हम लोग सोचे कि आज मुजफ्फरपुर में बैठेंगे, और मुजफ्फरपुर में बैठ के उसके बाद में कल सवेरे से राइड स्टार्ट करेंगे हाइपर राइड, जो कि दिल्ली का टाइमिंग सेट होगा हमारा, क्योंकि नाइट में राइड करते करते टाइमिंग हमारा बिगड़ जा रहा है गाइस, तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि अब नाइट राइड नहीं करेंगे। बाकी अभी मिडिल राइडर मेरा बाइक चला रहा है, राइड कर रहा है, तो हम लोग लगभग 5-7 किलोमीटर जितना और रह गया है मुजफ्फरपुर, तो वहाँ पर जाएंगे और स्टे करेंगे। आज वीडियो शीडियो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बनाएंगे और कर से पूरा टाइमिंग सेट होगा। तो चलिए गाइस, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।